नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इंडोर प्लांट्स की ग्रोथ के लिए गर्मियों का टाइम सबसे अच्छा होता है और ये घर में अंदर लगे हुए कितने सुंदर लगते हैं, घर की हवा को भी शुद्ध रखते हैं। तो आज मैं इंडोर प्लांट्स के ऊपर बात करूंगी, किस तरह से हमें इनका ध्यान रखना है, कैसे इनकी ग्रोथ तेज हो और कौन सा फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं, इन सभी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं पूरा इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगी। अगर आपके इंडोर प्लांट्स जल्दी जल्दी ख़राब हो जाते हैं तो ये वीडियो आप पूरा देखिए, ज़रूर आपके काम आएगा। तो इंडोर प्लांट्स अगर आप लगाते हैं और वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, पत्तियां ख़राब होने लगती हैं, तो किस कारण से होती हैं, इनके लिए हमें क्या करना चाहिए, इस वीडियो को पूरा देखिए। इसमें मैं 4-5 चीज़ें आपको बताऊंगी, अगर इन चीज़ों को आप करते हैं तो इंडोर प्लांट्स बहुत बढ़िया चलेंगे। और ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बाकी आप खुद करके देखिए, आपको अपने आप ही रिजल्ट मिलेगा। इंडोर प्लांट्स के लिए सबसे पहली और जो जरूरी चीज है वो है लाइट। जहाँ पर भी आप इनको रखते हैं वहाँ पर नेचुरल लाइट बहुत अच्छी आनी चाहिए और थोड़ा सा खुला हुआ होना चाहिए, यानी कि हवा भी वहाँ पर आनी चाहिए, एयर सर्कुलेशन अच्छा हो, अच्छी लाइट हो। ऐसी जगह पर आप ये प्लांट रखेंगे तो कभी भी ये ख़राब नहीं होंगे और इनके जो कलर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। तो इसीलिए मैं ये सारे प्लांट इनडोर एक जगह इधर रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर लाइट मिलती है। आप किसी भी विंडो वगैरह पर ऐसी जगह रख सकते हैं जहाँ पर लाइट भी मिले, साथ ही विंडो को खोलना भी होगा ताकि नेचुरल हवा भी आए। तो पौधों के लिए सबसे ज़रूरी पहली चीज़ है ये। आप इसको अगर ऐसे अंदर कहीं भी डेकोरेशन के लिए रख देंगे जहाँ पर इनको अच्छी लाइट नहीं मिलती है तो ये कुछ दिन तो ठीक रहेंगे, लेकिन उसके बाद फिर ये ख़राब होने लगेंगे। इंडोर प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि उनको अच्छी लाइट मिले। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो लो लाइट में भी चल जाते हैं, पर ज़्यादातर प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको अच्छी लाइट चाहिए, तभी वो अच्छी ग्रोथ करते हैं। दूसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है स्प्रे करना अपने इंडोर प्लांट्स पर। अभी जैसे कि गर्मियाँ हैं, गर्मियों में कम से कम 2 बार आप ज़रूर स्प्रे करिए प्लांट्स पर। और आप में से कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि स्प्रे करने से मिट्टी गीली हो जाती है। देखिए, मेरी मिट्टी में एक बूंद भी पानी नहीं गिरा है, बिल्कुल बारीक पर आपको ये स्प्रे करके रखना है, धुएं की तरह निकलता है, इसमें बिल्कुल कोई बूंद नहीं गिरेगी नीचे, सिर्फ पत्तियों पर स्प्रे होगा और पत्तियाँ गीली होंगी, बाकी मिट्टी में बिल्कुल भी पानी नहीं जाता है। मिट्टी में पानी तब जाता है जब स्प्रे बोतल का जो आगे का जो पॉइंट है उसको थोड़ा सा ज़्यादा खोल कर रखते हैं तो पानी निकलता है उसमें से ज़्यादा। तो हमेशा बहुत ही बारीक स्प्रे से आप ये इस तरह से स्प्रे कीजिए तो बहुत ही बढ़िया आपके प्लांट जो हैं वो आप करके देखिए, आपको खुद पता चलेगा कि क्या करते हैं। आपको रेगुलर ये काम करना होगा और फिर आप देखिए 1-2 महीने में आपके इंडोर प्लांट्स कैसे होते हैं। तो मैं सभी पर 1-2 टाइम ज़रूर करती हूँ निकलते, जब भी मुझे टाइम मिलता है, एक बार सुबह कर दिया, एक बार दिन में कर दिया। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, हमें अपने सभी प्लांट्स पर रेगुलर स्प्रे करना है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें यूज़ करने से हमारे ये प्लांट इतने हरे भरे और फ्रेश दिखेंगे कि आप देखकर ही खुश हो जाएंगे। पत्तियां आगे से जली जली तभी होती हैं जब पानी थोड़ा कम या फिर ज़्यादा होता है। अभी गर्मियों का मौसम है, फिर भी हमें पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। पानी इंडोर प्लांट्स में डेली नहीं देना पड़ता गर्मियों में भी, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। सर्दियों में तो 1-1, 2-2 हफ्ते निकल जाते हैं, पानी सूखता ही नहीं है, और गर्मियों में भी 3-4 दिन से पहले पानी बिल्कुल ना दें। अगर आप सही तरह से पता नहीं कर पाते हैं तो इस तरह का ये पीएच मीटर आता है, ये आप ले लीजिए, ये बहुत काम का है। देखिए, इससे आप पता कर सकते हैं पौधे को कब पानी देने की ज़रूरत है। अभी ये 10 नंबर पर आ रहा है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मिट्टी बिल्कुल गीली है। जब ये 4 नंबर पर होगा तो हम पौधे में पानी देंगे, 4 नंबर पर, 5 पर होगा तो हम पानी दे सकते हैं। अभी जब तक ये बिल्कुल ब्लू वाले कॉलम में रहेगा तब तक हम बिल्कुल भी पानी नहीं देंगे।
तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, अमेज़न से मैंने लिया था और काफ़ी टाइम से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, बहुत बढ़िया ये चल रहा है। इसका लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहें तो ले सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है और आप ये नहीं लेना चाहते तो आप हाथ से भी चेक कर सकते हैं, थोड़ा मिट्टी को खोदिए कम से कम 2 इंच और चेक कीजिए कि मिट्टी गीली है या फिर सूखी, तभी पानी दीजिए। अब जितने भी हमारे हैंगिंग प्लांट्स होते हैं, ये भी इंडोर ही है, इनको भी अच्छी लाइट की ज़रूरत होती है और अच्छी हवा की ज़रूरत होती है, इन पर भी हमें स्प्रे ज़रूर करना चाहिए। आपके अगर ये जो हैंगिंग प्लांट्स हैं अच्छे से नहीं बढ़ रहे हैं तो इस तरह से स्प्रे करिए उन पर 1-2 टाइम और फिर देखिए काफ़ी अच्छी इनकी ग्रोथ होगी। और दूसरी जो चीज़ है वो है प्रूनिंग करना। लगातार जब आप प्रूनिंग करेंगे तो इससे प्लांट घने होते जाते हैं, खासकर मनी प्लांट। देखिए इसको मैं कितना काटती रहती हूँ, जितना मैं इसको काटती हूँ उतना ही ये ज़्यादा इसमें ब्रांचेस निकलती हैं। तो अभी मैंने ये यहाँ से काटा था, अभी एक ब्रांच ये साइड से निकल रही है और एक ब्रांच इसके ऊपर से निकल गई है। तो एक जगह से जब हम काटते हैं तो 2 ब्रांच निकलती हैं और कभी कभी 3 भी निकल आती हैं। तो हमारा जो प्लांट है जिसमें एक ही ब्रांच थी उसमें 2-3 ब्रांच होंगी तो ज़्यादा पत्तियाँ होंगी और वो और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो इस तरह से आप मनी प्लांट की बास्केट को काफ़ी घना कर सकते हैं और अपने प्लांट को बहुत ज़्यादा पत्तियों वाला बना सकते हैं। तो मैं रेगुलर ये काम करती रहती हूँ, सभी जितने भी मेरे प्लांट हैं इस टाइप के, जैसे कि मनी प्लांट है और ये हार्ट लीफ प्लांट है, जो भी यहाँ पर हैंगिंग प्लांट्स लगे हुए हैं इन सभी में। इंडोर प्लांट्स में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत भी नहीं रहती है, तो ज़्यादा फर्टिलाइज़र अगर आप देंगे तो उससे भी पत्तियाँ जली जली सी होने लगती हैं, ख़राब हो जाती हैं, पौधा जल जाता है। तो अभी गर्मियों में तो बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र ज़्यादा ना दें। अगर आपको सॉलिड फर्टिलाइज़र देना है तो फरवरी मार्च में या फिर आप अक्टूबर में नवम्बर में दीजिए 2 बार। और अभी अगर आपके किसी भी प्लांट की ग्रोथ बहुत ही कम हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप सीविड फर्टिलाइज़र इसमें दे सकते हैं। इंडोर प्लांट्स के लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र है ये, बस कुछ बूंद हमें 1 लीटर पानी में डालना है। मैं तो बहुत ही कम डालती हूँ और ये बोतल मेरी एक बार मैं मंगाती हूँ तो 4-5 महीने आराम से चल जाती है। तो कभी भी देना हो तो फटाफट से हम दे सकते हैं और इसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। अगर किसी पौधे की ग्रोथ बहुत कम हो रही है या फिर वो अच्छे से नहीं बढ़ रहा है तो आप 2-2.5 महीने में ये फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। इस बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी देने की ज़रूरत नहीं है तो ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। 2 महीने में एक बार आप इस तरह से दे दीजिए, थोड़ा थोड़ा सा अपने कई प्लांट्स में आप दे सकते हैं 1 लीटर में से, तो बहुत ही बढ़िया ये काम करेगा। आप इसको यूज़ करके देखिए। ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ये बहुत ही बढ़िया है और मैं काफ़ी टाइम से बीच बीच में इसको अपने प्लांट्स में यूज़ करती हूँ, इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है। इसके अलावा आप हमेशा कटिंग ज़रूर लगाते रहिए। बहुत सारे इंडोर प्लांट्स हैं जो आराम से चलते हैं, पानी में आप लगा दीजिए उनकी जड़ें बन जाती हैं और बहुत सारे प्लांट्स आप बना सकते हैं। इससे आप नए प्लांट्स बनाएंगे, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा, आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे और फ्री में आपके बहुत महंगे महंगे प्लांट बन जाएंगे। तो हमेशा कटिंग लगाते रहिए, किसी की मिट्टी में लगाइए, किसी की पानी में लगाइए, तो बहुत सारी चीज़ें आप सीखेंगे और आपके बहुत सारे फ्री में प्लांट बन जाएंगे। तो ये जो कुछ बातें मैंने बताई हैं इस वीडियो में, अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे नहीं लगता इंडोर प्लांट्स सालों साल तक भी कभी ख़राब होंगे। मुझे तो ऐसा लगता है इंडोर प्लांट्स सबसे कम ख़राब होते हैं, क्योंकि इंडोर प्लांट्स जो मेरे ये आप देख रहे हैं इनमें 80-90% प्लांट मेरे कोलकाता के हैं, जो काफ़ी दूर यहाँ तक आ भी गए और आने के बाद भी अभी तक चल रहे हैं, ख़राब नहीं हुए। तो बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं ये, तो आप आराम से अगर इनकी केयर करें तो ये सालों साल चलते रहेंगे और बहुत ही बढ़िया तरह से आप इनको कटिंग से बढ़ा भी सकते हैं और अपने घर को सुंदर बना सकते हैं, हवा को शुद्ध रख सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उसके बराबर में ही बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, बाय, जय सियाराम।